दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की विस्तार योजना जोरों पर चल रही है। इस क्रम में डीएमआरसी राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसपोर्टर रिंग मेट्रो लाइन के विकास पर काम कर रहा है। एक बार विस्तार परियोजना पूरी हो जाने के बाद डीएमआरसी की पिंक लाइन भारत की पहली रिंग मेट्रो होगी। इसके अलावा अतिरिक्त 12.55 किलोमीटर के साथ मजलिस पार्क से मौजपुर कॉरिडोर कुल 71.15 किलोमीटर को कवर करने वाली सबसे लंबी मेट्रो लाइन होगी। दोस्तों, इस परियोजना से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के आसपास के शहरों को काफी लाभ होने की उम्मीद है। आइए आपको इस नई मेट्रो परियोजना के बारे में 5 महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। पिंक लाइन का मजलिस पार्क से मौजपुर कॉरिडोर सड़क की भीड़ को कम करने में सहायता करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। एक बार रिंग मेट्रो कॉरिडोर पूरा हो जाने के बाद नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ सहित दिल्ली के सैटेलाइट शहरों के यात्रियों को सेवाओं का लाभ मिलेगा। रिंग मेट्रो डीएमआरसी की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। ये पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली सहित कई गलियारों को जोड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉरिडोर ट्रिपल डेकर मेट्रो का संचालन करेगा। मेट्रो लाइन के नीचे फ्लाईओवर बनेगा। दिल्ली रिंग मेट्रो बुराड़ी स्टेशन, झड़ौंदा स्टेशन, जगतपुर विलेज स्टेशन, सूरघाट स्टेशन, सोनिया विलेज स्टेशन, खजूरी खास स्टेशन, भजनपुरा स्टेशन, यमुना विहार स्टेशन, मौजपुर से बाबरपुर स्टेशन जैसे कई स्टेशन को जोड़ेगी। मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर से रिंग रोड पर मेट्रो स्टॉप की संख्या 8 तक बढ़ जाएगी, जिससे कुल 47 स्टॉप हो जाएंगे। इसमें 11 इंटरचेंज स्टेशन होंगे जो पिंक लाइन को दिल्ली मेट्रो की अन्य लाइनों से जोड़ेंगे। पिंक लाइन का विस्तार डीएमआरसी के चौथे चरण की विकास योजना का हिस्सा है। सितंबर 2023 की मूल लक्ष्य तिथि से देरी के बाद पूरे कॉरिडोर को जून 2024 तक समाप्त होने की उम्मीद है। मजलिस पार्क से मौजपुर लाइन शुरू होने के बाद दिल्ली मेट्रो 400 किलोमीटर से अधिक मेट्रो सिस्टम के चुनिंदा समूह में शामिल हो जाएगी। बीजिंग, शंघाई, शेंझेन, चेंगदू, मास्को और लंदन सहित शहरों के प्रसिद्ध नेटवर्क वर्तमान में इस खास क्लब के मेंबर हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।